जनपद मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे के क्षेत्र रोंडा में जमीन को लेकर विवाद हो गया था। उसकी तहरीर रोंडा चौकी इंचार्ज गौरव दीक्षित को पहले भी कई बार दी थी, लेकिन रोंडा चौकी से कोई इंसाफ नहीं मिला, जिसकी वजह से आज दबंग लोगों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए। सर्वेश सन ऑफ भागवत ग्राम रोंडा जैसे ही आज थाना मुंडा पांडे गए तो थाना प्रभारी ने सर्वेश के ही 3 आदमी पकड़कर बंद कर दिए और कहा कि तुम ढोंग बना रहे हो और हमें थाने से भगा दिया। जैसे ही हम अपने घर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी लड़कियों संजीत और बबीता के साथ मामनित संजीव आनंद ने मारपीट की और लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया और लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए। आपको यह भी बताते चलें कि दोनों लड़कियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सर्वेश ने आरोप लगाया है कि यह रोंडा चौकी के इंचार्ज की मिलीभगत से हुआ है। काश रोंडा चौकी इंचार्ज ने पहले ही तहरीर पर कार्यवाही की होती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। सरकार एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर रही है, तो वहीं रोंडा चौकी इंचार्ज ने सरकार के वादों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि मुरादाबाद की पुलिस और सरकार के वादों पर कितनी खरी उतरती है या नहीं। क्या बेटियों पर इसी तरह अत्याचार होते रहेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सतीश है। क्या मामला, जो झगड़ा हो गया आज? आज झगड़ा ये है कि मतलब हमारी दादा लाई जगह थी बसियत की, तो मतलब हमारे ताऊ जो है वो अकेले ही उस जगह को बना रहे हैं जबरदस्ती से। अच्छा। तो मतलब हमने चौकी पे तहरीर दी। कब तहरीर कब दी थी? कल सुबह 8 बजे जी। तो लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। और मतलब निर्माण जो है चलता रहा। अच्छा। पुलिस की मिलीभगत से। अच्छा जी। फिर मतलब हमने मतलब 100 नंबर बुलवाई जी, तो 100 नंबर मतलब उसने मतलब काम हमारा रुकवा दिया 100 नंबर ने। हाँ। और थाने लेकर के गई मतलब दोनों पक्षों को, तो मतलब हमारी वहाँ पे भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। कोतवाल साहब ने मतलब ये कहा था कि लेखपाल की रिपोर्ट आने के बाद ही निर्माण होगा। आज क्या हुआ? आज मतलब हम वहाँ पे मुरादाबाद गए थे जमानतों के लिए, तो मतलब हमारे घर पे कोई नहीं था। हमारी मतलब भाभी थी और भतीजी थी, तो उनको मतलब अकेले ही देख करके मतलब जो विपक्ष हैं तो उन लड़कों ने काफ़ी बेरहमी से मतलब सीने पर हथौड़ियाँ फेरी लोहे की और मतलब चाकू छुरियों से वार किया और अब भी मतलब गंभीर हालत में है ये। कौन कौन लोग थे, इनके नाम क्या थे? नमनीत। और कौन था? संजीव और आनंद। अब आप क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं साहब। अच्छा। आपने रोंडा चौकी में तहरीर दी? हाँ, तहरीर दी थी। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? हमको कोई आश्वासन नहीं मिला, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। आपको रोंडा इंचार्ज चौकी जो है वो आपको सुनी नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे। हमने मतलब जैसे काम चल रहा था, हमने सुबह 8 बजे बहुत निहोरी करी थी उनसे, हमारे गौरव जी दीक्षित से, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उनकी मिलीभगत से ही सब काम चल रहा है।